जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को कारगिल में भाषण के दौरान आतंकियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मलिक ने कहा, आतंकियों को पुलिस वालों की जगह भ्रष्टाचारियों की हत्या करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ही राज्य और देश को लूट रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा, ये लड़के जो बंदूक लिए अपने लोगों को मार रहे हैं, PSO SDO को मारते हैं, क्यों मार रहे हो इनको? उन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा है, जिन्होंने कश्मीर की सारी दौलत लूटी है। इनमें से भी कोई मरा है भी, बंदूक से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा, श्रीलंका में लिट्टे नामक एक संगठन था और उसे समर्थन भी था, लेकिन यह भी समाप्त हो गया। और आम आदमी बहुत बुरी तरह कश्मीर का आम आदमी भुगत रहा है। जो कश्मीर से मेरा मतलब सिर्फ वैली नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और आपके खित्ते के लोग बहुत गुर्बत में रहे हैं और आपका रुपया खा के लोग बहुत आराम से रह रहे हैं। मैं जितने दिन हूँ, मैं आपको ये गारंटी करता हूँ, आपका सहयोग मिला तो इनमें से जितने जो बड़े मगरमच्छ कहे जाते हैं, जिन्हें मैं एक चीज सुनाने से नहीं रुकना चाहता। जब राजीव गांधी जी थे तो आपको याद होगा, एक बोफर्स का मामला हुआ था। उस मामले में मैंने और मुफ्ती सईद साहब ने राज्यसभा का इस्तीफा दे दिया था कि इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ है। तो इस्तीफा देने के बाद मैं अपने शहर में एक मुशायरे में गया, वहां बुलाया गया मुझे। तो मेरा जब तारुफ करा रहे थे तो जो लड़का था मेरे साथ का ही था, उसने कहा कि ये अभी 4 साल की राज्यसभा से इस्तीफा दे के आए, बड़ी बात है। तो वहाँ एक शायर भी था जो मेरा दोस्त हो गया था जेल में इमरजेंसी में, उसने एक शेर कहा, MP साहब उसने कहा कि आपने इस्तीफा तो दे दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप मेरा शेर सुन लें। उसने कहा कि हुजूर इनको कैसे पकड़ पाइएगा, बड़ी मछलियों के समंदर अलग। तो ये जो बड़ी मछलियां हैं जिनको लोग समझते हैं कि ये नहीं पकड़ी जा सकती हैं, 2-3 महीने में आपको कम से कम मैं 2-3 बड़ी मछलियां जो मिनिस्टर रही हैं उनको जमानत करते हुए बताऊंगा और तब आपसे ताली चाहूंगा कि तब आप ताली बजाएं, अभी ना बजाएं। क्योंकि मेरा तो बस नहीं चल, ये लड़के जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, PSO को मारते हैं, SPO को मारते हैं, नहीं क्यों मार रहे हो भाई इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी। इनमें से भी कोई मारा है आपने अभी? ये फिजूल ने अपनी जान गंवा रहे हैं, कुछ नहीं निकलना इससे, बंदूक से कोई चीज हासिल नहीं होगी। चूंकि हिंदुस्तान में बंदूक के जरिए सरकार को कोई नहीं झुका सकता, श्रीलंका में एक LTT करके संगठन था, दुनिया में उतना पावरफुल कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन खत्म हो गया। सरकारों से इस तरह नहीं लड़ा जाता, बातचीत से तुम सब कुछ ले लो। अब उनको समझा रहे हैं, और यही नेता जो दिल्ली में जाके ये हमको डराते हैं और यहाँ इनको भड़काते हैं। हमने कहा, एक जबान बोलो, या तो ये जबान बोलो या वो बोलो,